अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इल्मी अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, हम में से हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है लेकिन इंग्लिश बोलना शुरू नहीं करते। हम में से हर कोई फर इंग्लिश तो बोलना चाहता है लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए इनिशिएटिव, वो पहला कदम नहीं उठाता। रीज़न क्या है? हम कहते हैं कि हम इंग्लिश में बात तो करें लेकिन लोग हम पे हंसेंगे क्योंकि हम मुझे अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं आती। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश बोलो और बोलते जाओ। इसमें हम ऐसे इंग्लिश फिक्रात की प्रैक्टिस करेंगे जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं लेकिन उनकी इंग्लिश हमें बहुत कम आती है। हम में से मैक्सिमम लोगों को उनकी इंग्लिश आती ही नहीं है। उनमें से कुछ उर्दू के फिक्रात आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आप भी इस तरह के उर्दू के फिक्रात की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे वो नहीं चाहिए। आपको कोई चीज़ नहीं रिक्वायर्ड, आपको वो नहीं चाहिए तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई डोंट वॉन्ट दैट, आई डोंट वॉन्ट दैट। आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा हूं। जब भी हमारे यहाँ या किसी के यहाँ भी गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, जब वो जाने लगते हैं तो हम उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, इज्जत देने के लिए हम कहते हैं आए मैं आपको बाहर तक छोड़ा। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट मी शो यू आउट, लेट मी शो यू आउट, लेट मी शो यू आउट। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू दिस, You don't need to do this. ये भी कोई कहने की बात है। इसको इंग्लिश में कहेंगे It goes without saying. It goes without saying. मैं जहमत देना नहीं चाहता, यानी कि मैं कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू बादर, आई डोंट वॉन्ट टू बादर। इसे ऐसे ही रहने दो, जस्ट लेट इट बी, जस्ट लेट इट बी। जारी रखो। इसको इंग्लिश में कहेंगे कैरी ऑन। कोई काम कर रहा है तो आप उसे कहते हैं कि आप इसको जारी रखो, करते रहो। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरी ऑन, कैरी ऑन। वो तुम्हारा क्या लगता है? हु इज शी टू यू। यहां पे आप अगर सेंटेंस हो उर्दू में वो तुम्हारा, वो तुम्हारी क्या लगती है, तो उसके लिए होगा हु इज शी टू यू। और अगर हो वो तुम्हारा क्या लगता है तो इंग्लिश में आप शी की जगह ही लगा देंगे, हु इज ही टू यू, हु इज ही टू यू। तुम क्या करने लगे हो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। सुनकर बहुत अच्छा लगा, लव टू हियर दैट, लव टू हियर दैट। राज की बात बताओ, लेट द कैट आउट द बैग। ये एक फ्रेज है जो कि राज की बात बताओ के लिए इस्तेमाल होता है। लेट द कैट आउट द बैग, लेट द कैट आउट द बैग।
मैं बस जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और आप रेगुलरली इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।